हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्क नीटिंग। देखिए आज के वीडियो में एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेके आई हूँ। ए डिज़ाइन एट रोज का डिज़ाइन है और ये एट रोज आपको रिपीट करते जाना है अपनी पूरी प्रोजेक्ट में। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, लेडीज जैकेट, बेबी स्वेटर, बेबी फ्रॉक किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रंग साइड पर इसे दिखता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 3 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और प्लस 2 एज स्टिच करना होगा। मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2, 3 फंदों का डिज़ाइन है ये। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको 3 फंदों का डिज़ाइन है। 3 फंदा करते जाना है आपको। लास्ट में एक एक फंदा आपको साइड में करनी है एज स्टिच के लिए। इसमें मैंने 3 का मल्टीपल करके 15 प्लस 2 एज स्टिच कर लिया है। टोटल 17 फंदा डाला है यहाँ। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो आपको पूरी सिलाई सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट रो पूरी सिलाई आपको सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेना है। सेकेंड रो भी आपको पूरी सिलाई सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेना है। पूरी सिलाई आपको सीधा सीधा बुनना है। सभी फंदे सीधा सीधा बुनना है। थर्ड रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2। अब ये 3 फंदा बुनने के बाद अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको। देखिए अब इस 2 फंदों में से आपको पीछे की साइड से इस तरह से लेंगे। ये 2 फंदों में से आपको 3 फंदा बनाना है। इस तरह से एक फंदा निकालेंगे, अब धागे को घुमाएंगे इस तरह से और फिर इसी होल में डालना है नीडल। फिर एक फंदा निकालेंगे, 2 फंदों में से आपको 3 फंदा बनाना है इस तरह से, 1 2 3। अब एक फंदा सीधा, अब ये रिपीट करनी है आपको। ये 3 फंदों को छोड़कर 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करनी है। 2 फंदों में से आपको 3 फंदा बनाना है, फिर एक फंदा सीधा। आपको इन्हीं फंदों को आपको बार बार रिपीट करनी है। फिर से रिपीट करेंगे, 2 फंदों में से 3 फंदा बनाना है। इस तरह से बैक साइड से बुनेंगे, इस तरह से एक फंदा निकालेंगे, धागे को इस तरह से घुमाएंगे, फिर इसी होल में डालना है नीडल। फिर एक फंदा निकालेंगे, 2 फंदों में से 3 फंदा बनाना है। अब एक फंदा सीधा, 2 डिजाइन खत्म हुआ है। फिर से रिपीट करेंगे, 2 फंदों में से 3 फंदा बनाएंगे, इस तरह से एक फंदा निकालेंगे, फिर धागे को घुमाएंगे इस तरह से और फिर इसी होल में डाल के नीडल एक फंदा निकालेंगे। 2 फंदों में से 3 फंदा बनाना है इस तरह से। अब एक फंदा सीधा, 3 डिजाइन खत्म हुआ है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, 2 फंदों में से इस तरह से एक फंदा निकालेंगे पहले, फिर धागे को घुमाएंगे, फिर इसी होल में डालना है नीडल, फिर एक फंदा निकालेंगे, 2 फंदों में से 3 फंदा बनाना है। अब एक फंदा सीधा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको 1 2 3 4 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको 2 फंदा बचेगा। 2 फंदा एक फंदा सीधा बुनिए एज स्टिच उल्टा। फोर्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, धागा आगे, अब 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2। अब ये 3 फंदा बुनने के बाद अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको। देखिए जो एक फंदा, जो 2 फंदों में से हमने 3 फंदा बनाए थे, ये 3 फंदों में से आपको 2 फंदों को उल्टा बुनिए इस तरह से, 1 2। देखिए अब इस फंदे और इस फंदे करके आपके 2 फंदों को एक फंदा बनाएंगे इस तरह से, उल्टा बुनते हुए 2 का एक करेंगे। अब इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करेंगे, 1 2 3। 3 फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर 2 फंदों को एक फंदा बनाना है। देखिए इन्हीं 3 फंदों का आपको बार बार रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करेंगे, जो 2 फंदों में से हमने 3 फंदा बनाए थे उसमें आपको 2 फंदों को उल्टा बुनिए, 1 2। अब ये 2 फंदों को एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा और एक फंदा करके आपको 2 का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए।
दो डिजाइन खत्म हुए, फिर से दो फंदा उल्टा, एक दो, अब दो का ही करेंगे उल्टा बुनते हुए, फिर से दो फंदा उल्टा, फिर दो का ही करेंगे इस तरह से उल्टा बुनते हुए, लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा ये उल्टा बुनेंगे, एक एक दो। फिफ्थ रो सभी फंदे सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेना है। फिफ्थ रो सभी फंदे उल्टा सीधा सीधा बुनना है। सिक्स रो भी पूरी सिलाई सीधा सीधा बुनना है। सिक्स रो भी सभी फंदे सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेना है। सेवेंथ रो में देखिए इस डिजाइन को आप यहाँ पर आएगा, एक फंदे से स्लिप करिए जिस चीज़, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है। अब इस दो फंदों में से आपको पीछे की साइड से दो फंदों को तीन फंदा बनाना है इस तरह से। एक फंदा निकालेंगे पहले, तो अब देखिए इस तरह से घुमाएंगे धागे को, अब इसी होल में डालना है नीडल, फिर एक फंदा निकालेंगे। दो फंदों में से आपको तीन फंदा बनाना है इस तरह से। अब एक फंदा सीधा, अब ये रिपीट करनी है आपको, ये जिस चीज़ को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न आपको रिपीट करना है। दो फंदों में से आपको तीन फंदा बनाना है, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा। आपको इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। दो फंदों में से आपको तीन फंदा बनाएंगे इस तरह से, एक फंदा निकालेंगे, फिर धागे को घुमाएंगे और फिर इसी होल में डाल के नीडल एक फंदा निकालेंगे। दो फंदों में से आपको तीन फंदा बनाना है। अब एक फंदा सीधा, दो डिजाइन खत्म हुआ है, फिर से रिपीट करेंगे। दो फंदों को पीछे की साइड से बुनते हुए एक फंदा इस तरह से निकालेंगे, फिर धागे को घुमाएंगे, फिर पीछे से फिर एक फंदा निकालेंगे और फिर एक फंदा सीधा, फिर से रिपीट करेंगे। दो फंदों में से तीन फंदा बनाएंगे, एक, धागे को घुमाएंगे, दो, ये तीन, तीन फंदा इस तरह से बनाना है। अब एक फंदा सीधा, फिर से रिपीट करेंगे। दो फंदों से तीन फंदा बनाएंगे, एक, ए दो, फिर इसी होल में डालना है नीडल, ए तीन और फिर एक फंदा सीधा। देखिए यहाँ तक आपको एक दो तीन चार पाँच, पांच डिजाइन खत्म हुए यहाँ तक। लास्ट का एज स्टिच सीधा। एट रो एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच, एक फंदा उल्टा, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको। देखिए जो दो फंदों में से आपको तीन फंदा बनाए थे, एक दो तीन, तीन फंदों में आपको दो फंदों को उल्टा बुनिए, दो फंदों को उल्टा, एक दो, और फिर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा और एक फंदा करके आपको दो का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए। अब ये रिपीट करनी है आपको, एक दो, ये दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न आपको रिपीट करना है। दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाना है। इन्हीं तीन फंदों का आपको बार बार रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। दो फंदा उल्टा, एक दो, अब देखिए एक फंदा और एक फंदा करके दो का एक करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। दो फंदा उल्टा, एक दो, अब ये दो का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए, फिर से दो फंदा उल्टा, एक दो, अब दो का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए, फिर से दो फंदा उल्टा, एक दो, लास्ट में आपको दो का एक। देखिए फ्रेंड डिजाइन एट रो का डिजाइन है, आपको एट रो में ऐसे डिजाइन बन के आएगा। अब आपको यहाँ से वन रो स्टार्ट करनी है। वन रो आपको पूरी सिलाई सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेना है, देन आपको रिपीट करते जाना है। वन टू एट रोज, एट रोज आपको बार बार रिपीट करनी है अपनी पूरी प्रोजेक्ट में। रिपीट करते जाने के बाद आपको ऐसे ब्यूटीफुल डिजाइन बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।